नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। स्किन मिल्किंग करने वाले से बात की आज, और वही माँ है जो अपने सबसे ज़्यादा फेमस गाय है। चलिए दिखाता हूँ पूरी वीडियो। इस बार कुछ नया है वीडियो के अंदर, क्योंकि इस बार मिल्किंग मैं नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। इसकी पूरी मिल्किंग दूँगा, ए टू जेड, कितने थन में कितना दूध है, इसके बच्चों को पिलाना वो अलग पिला देंगे अपन। और आज की मिल्किंग स्पेशल इसलिए है क्योंकि हमारे जो पप्पू भैया है, ये आप देख रहे हैं, ये पप्पू भैया बोल रहे हैं कि आज मिल्किंग मैं करूँगा, वीडियो आप शूट करिए, ठीक है। तो आज पूरी मिल्किंग दिखाने वाला हूँ मैं, और 5 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी कोशिश करते ताकि हमारा काम भी बहुत रहता है, तो काम पूरा करेंगे। इसलिए हमेशा मोस्टली ऐसा करना पड़ता है कि ट्राईपॉड पर वीडियो हम इस पर लगाते हैं और शूट कर लेते, क्योंकि इतना टाइम रहता नहीं है। लेकिन आज हाथ में पकड़ के वीडियो बना रहा हूँ, और ये मिल्किंग करेगा, देखते हैं इसकी स्पीड, इसकी टेक्निक, इसका जो भी है हर चीज़ में दिखा दूँगा आपको। आप कमेंट करना कि क्या सही है क्या गलत है, किसकी सुधार की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से तो ये दूध निकालने वाला आदमी है नहीं, काम चलो आदमी है, लेकिन इसका मानना है कि ये कहता है कि नहीं तेरे से अच्छी मिल्किंग करता हूँ, तो ठीक है देख लेते आज। तू जल्दी कर, हमारा जल्दी कर, थोड़ी तो कर, बाद में कर थोड़ी तो। ये गाय देखिए, ये इसका बछड़ा है नीचे, बहुत अच्छा बछड़ा है, काश ये बछड़ी होती, लेकिन ठीक है, बढ़िया गाय, बिकाऊ है तो नहीं, लेकिन अगर पैसा अच्छा मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सोचेंगे। बाकी ऐसा बेचना है कोई ऐसा इरादा है नहीं कि बेचनी है, वो बात की बात है कि अच्छा पैसा मिलेगा तो सोचेंगे। तो आप कहाँ से, आप कमेंट करिए आप कहाँ तक हमारी वीडियो देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप बताएंगे आप कहाँ से हैं, हमें भी एक बार मालूम चले कि आप तो मतलब हमारी वीडियो कहाँ तक चलती है, कहाँ तक लोग देखते हैं, तो एक आइडिया रहता है। आपको अगर कोई सवाल जवाब है तो वो भी करिए। ये गाय, जो गाय की स्पेसिफिकेशन बता दूँ मैं, गाय कौन सी नस्ल की है, तो ये जो गाय है ये है बिल्कुल 100% गिर क्रॉस, ठीक है। अब गिर क्रॉस के अंदर ये है एक रेडन गिर क्रॉस है, क्योंकि देखिए लाल थन है इसके, अगर थन इसके अगर ब्लैक होते तो ये होल्स्टीन गिर क्रॉस हो जाती, पर रेडन गिर क्रॉस है, पर बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है गाय के अंदर, बहुत तगड़ी हाइट की गाय है, सबसे पुरानी गाय समझिए अभी बाड़े की, हमारी बाड़े की सबसे पुरानी गाय है। एक थन बछड़े के लिए छोड़ देते हैं हम, उसको बाद में पिलाएंगे। थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, टाइम नाइट का नहीं है, मॉर्निंग तो बिल्कुल भी नहीं है, शाम को शूट कर रहे हैं वीडियो, मॉर्निंग में तो टाइम रहता नहीं इतना, तो अभी क्या है कि हल्का सा अंधेरा होना चालू हो गया, इसलिए हल्की फ्लैश चलाइए फ़ोन से। दीदी का नाम पूछ रहे थे, अगली बार जब वीडियो बनाएंगे तो कोशिश करेंगे उजाले के अंदर बनाए। ये देखिए आप गाय का सिर देखिए, चेहरा देखिए और कान देखिए, एक नंबर गाय है, बस बेचनी नहीं है इसको हमें। तो आप देख रहे हैं राउट डेयरी फॉर्म, और हमारा चैनल है डेयरी व्लॉग्स, तो आए तो सब्सक्राइब करके जाना, बिना सब्सक्राइब करे वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। और गाय के दो थन के दूध दिखा रहे हैं, दो ही थनों का पता है, बाल्टी खाली थी आपके सामने, हमने बाल्टी दे रही थी 6 लीटर की बाल्टी है। ये गाय की पैर उठाने के आदत है शुरू से ही, जब फर्स्ट लिक्रेशन भी आई थी, ये हल्का हल्का पैर उठाती है, तो आदत बन चुकी है, तो इसका कुछ कर नहीं सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि दूध गिराएगी, ऐसा कुछ नहीं है, बस पैर उठाती है ये गाय।
कैसी वाली बलोड़ी कहरा छोड़ दी छोड़ लो ठीक है। तो बच्चों को छोड़ना पड़ेगा दूर, एक बाल्टी निकाल ली है, बच्चों को पिलाना जरूरी है क्योंकि पिछली बार जब वीडियो बनाई थी तो बहुत बहुत कमेंट आए थे वीडियो पे बच्चों को दूध नहीं पिलाने पर। ऐसे बच्चों को दूध पिला रहे हैं, एक महीने का हो गया है वैसे फिर भी दूध पिलाते हैं, तो बाकी बच्चों को छोड़ देते हैं। कितना दूध खुद को ध्यान है, देखिए एडर देखिए आप खुद अंदाज लगा लिए कितना दूध होगा अभी भी, और दो ही थनों का दूध निकाले, दो थन में से भी दूध छोड़ दिया है अभी देख लो, पूरी वीडियो में आपको दिखाया हमने। अब उम्मीद कर लीजिए कितना दूध होगा, मेरे हिसाब से 3-4 लीटर दूध और है अभी भी, क्योंकि देखिए कंडीशन देखिए आप, एडर में बिल्कुल भी वो है ना सल नहीं आया, देखो पीछे से देखो बिल्कुल निचोड़ है गाय का, नींबू निचोड़ गाय है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बच्चा दूध चूकने के बाद दिखाऊंगा, नहीं इतना टाइम है नहीं, पर खाली के अंदर शॉट डालूंगा वो खाली वीडियो गाय खाली होने के ऊपर। धन्यवाद।